हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं कि सिजेरियन सेक्शन और सी सेक्शन क्या होता है। इस लेक्चर के अंदर समझेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस किस तरीके से ये प्रोसीजर किया जाता है, कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं, यानी किन परिस्थितियों के अंदर सिजेरियन सेक्शन दिया जाता है। सिजेरियन सेक्शन से आप क्या समझते हैं? सी सेक्शन एक तरीका है जिसमें एब्डोमिनल मीन के जरिए, यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक इंसिजन दिया जाता है एब्डोमेन के ऊपर, एंड देन उसके बाद हम देते हैं इंसिजन यूट्रस पे, और दोनों इंसिजन के बाद में हम फीटस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, डिलीवर आउट करते हैं एब्डोमिनल रूट के जरिए, और उसी के साथ प्लासेंटा भी बाहर आता है, एंड देन उसके बाद दोनों ही लाइनिंग जो होती है उसे स्यूचर कर दिया जाता है। सबसे पहले लैप्रोटॉमी करते हैं, यानी एब्डोमिनल वॉल पे इंसिजन दिया जाता है, एंड देन हिस्टरोटॉमी करते हैं। लैप्रोटॉमी मीन्स एब्डोमिनल वॉल पे इंसिजन देना, एंड देन उसके बाद हिस्टरोटॉमी यानी यूट्रस को इंसाइज करके उस पर कट दे के ओपनिंग बनाना जिसके जरिए हम फीटस को बाहर निकाल सकें। दिस इज द सिंपल मीन, लैप्रोटॉमी एंड देन हिस्टरोटॉमी के जरिए फीटस एज वेल एज जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस है, यानी फीटल मेम्ब्रेन, प्लासेंटा, उन सबको बाहर निकालना, ये तरीका होता है जिसे कहते हैं सिजेरियन सेक्शन। आज के दौर में सिजेरियन सेक्शन जो है इसका जो इंसिडेंस है वो लगातार बढ़ रहा है। क्यों ये बार बार और अक्सर किया जा रहा है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से मदर और फीटस की लाइफ जो है वो किसी भी तरीके से खतरे में जाए, क्योंकि आज की जो एडवांसिंग टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मेडिसिन यूज़ में ले लें या फिर कई जो टेक्निकल एडवांसमेंट है, इन प्रोसीजर्स के ज़रिए क्या है कि हम पहले से ही पता लगा सकते हैं कि क्या मदर जो है वो हाई रिस्क कंडीशन पे तो नहीं है। एडवांसिंग फीटल मॉनिटरिंग के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि क्या फीटस डिस्ट्रेस में तो नहीं है। इन चीज़ों को हम पहले से जानकर जो होने वाले कॉम्प्लिकेशन है उसके अवॉइड कर सकते हैं, और सिजेरियन सेक्शन के ज़रिए सेफली मदर और फीटस दोनों की कंडीशन को मॉनिटर कर सकते हैं और फीटस को एक्सपेल आउट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में आजकल जो नली पैरस है, मतलब जिसने एक भी बार फीटस को डिलीवर नहीं किया है, वो कंडीशन वुमेन के अंदर अक्सर 30 इयर्स और उससे भी ज़्यादा एज में देखने को मिल रही है, यानी वुमेन्स लेट एज में प्रेग्नेंट एज वेल एज लेट एज में कंसीव कर रही हैं, जिससे उनके अंदर होने वाले कई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कई कॉम्प्लिकेशंस फर्दर लेबर के दौरान हो सकते हैं। उन सारों को अवॉइड करने के लिए सिजेरियन सेक्शन का जो इंसिडेंस है वो लगातार बढ़ रहा है, एंड अक्सर फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है उसमें भी कई सिजेरियन सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो सेकेंड और सब्सिक्वेंट में भी होने के चांस, यानी दूसरी आने वाली प्रेगनेंसी में भी जो डिलीवरी है वो सिजेरियन सेक्शन से हो, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं, लाइक अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है जिसमें पेल्विस की साइज ही स्मॉल है, तो उस कंडीशन में कभी भी ना तो करंट ना आने वाली किसी भी प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, तो ऐसी परिस्थिति में सिजेरियन सेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ऐसे कई रीजंस हैं जिसके कारण सिजेरियन सेक्शन का जो इंसिडेंस है वो लगातार बढ़ रहा है। नाउ इसमें कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? मेजरली सिजेरियन सेक्शन को दो में क्लासिफाई किया है, एक होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन और एक होता है क्लासिकल और अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ये जो टाइप्स हैं और जो प्रकार हैं ये किसके ऊपर आधारित होते हैं कि हम यूट्रस के अंदर कहाँ पर इंसिजन दे रहे हैं, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। लोअर सेगमेंट मतलब क्योंकि हमने नॉर्मल लेबर के भी जो वीडियोस हैं उसमें डिस्कस किया था कि नियर टर्म तक पहुँचते यूट्रस जो है वो दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट अपर सेगमेंट और नीचे जो पैसिव होता है वो लोअर सेगमेंट होता है। यहाँ पर जो इंसिजन दिया जा रहा है वो कहाँ पे दिया जाता है? LHCS के अंदर लोअर सेगमेंट, नीचे की ओर, एंड दूसरा जो होता है वो अपर सेगमेंट, ऊपर वाले पार्ट में दिया जाता है, जैसे क्लासिकल अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन भी बोलते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर सबसे कॉमन और जो पॉपुलराइज्ड टेक्निक है वो है LHCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जो कि
म्यूनरो केयर के द्वारा पॉपुलराइज की गई थी, जिन्होंने फर्स्ट ये प्रोसीजर परफॉर्म किया था। तो ये जो कट है और ये जो इंसिजन है वो कहाँ देते हैं, लोअर सेगमेंट में, यूट्रस का जो नीचे वाला पार्ट है। इस टेक्निक के बारे में डिटेली नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डील करेंगे, बट यहाँ पर हम यूट्रस के लोअर सेगमेंट के अंदर ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल मैनर में इंसिजन देते हैं, देन फीटस और फीटल प्रोडक्ट्स जो कंसेप्टस हैं उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपेल आउट करते हैं। एंड क्लासिकल और अपर सेगमेंट में, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो इंसिजन है वो ऊपर वाले पार्ट के अंदर दिया जाता है, अपर सेगमेंट में, ओके। बट इन दोनों में से भी सबसे कॉमन और जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है वो ट्रांसवर्स है। उसके कंपेरिजन में अपर सेगमेंट में लिमिट ही यूज़ होता है, यानी जो अपर सेगमेंट के अंदर जो इंसिजन दिया जाता है वो कम प्रैक्टिस होता है। बट कई ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पर कि हमें लोअर सेगमेंट को अवॉइड करना होता है, तब हमारे पास चांस होता है कि हम क्लासिकल के ज़रिए ही फीटस और फीटस के जितने भी कॉन्सेप्टस हैं उन सबको एक्सपेल आउट करें, ओके, कॉन्सेप्टस प्रोडक्ट को बाहर निकालें। तो वो क्या परिस्थिति हो सकती है, लाइक अगर बार बार अगर लोअर सेगमेंट में ही रिपीट सिजरिन किया गया है, बार बार वहीं पे हुआ है, तो ऐसे चांस बन जाते हैं कि जो स्कार टिश्यूज होते हैं जहाँ पे कि ये सब सूचर हुई है वो टाइटली एडहेयर हो जाते हैं एब्डोमिनल वॉल्स या फिर उसके अंडर नहीं तो उसके नीचे प्रेजेंट कई स्ट्रक्चर लाइक ब्लैडर से टाइटली क्या हो जाते हैं, एडहेयर। तो अगर हम वहीं पर दोबारा अगर इंसिजन देंगे तो हो सकता है ब्लैडर या फिर जो अंडरनीथ स्ट्रक्चर्स हैं वो इंजोर हो सकते हैं, तो हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर वुमेन को कार्सिनोमा है, कैंसर है सर्विक्स के अंदर या फिर फाइब्रॉइड्स हैं, तो भी हम लोअर सेगमेंट को अवॉइड करते हैं बिकॉज उस इंसिजन के जरिए हम किसी भी तरीके से उन सारे फाइब्रॉइड्स और कैंसर टिश्यूज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये कंडीशन और ज़्यादा वुमेन की वर्स कर सकती है। एंड अगर एमरजेंसी कंडीशन के अंदर हमें जल्दी से अगर क्विकली डिलीवर आउट करवाना है तो क्लासिकल मीन जो होता है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है रैदर की ट्रांसवर्स। तो उस कंडीशन में हम क्लासिकल परफॉर्म करते हैं जिसमें बहुत ईजीली अ लॉन्ग कट के ज़रिए हम फीटस और फीटल प्रोडक्ट को एक्सपेल आउट कर सकते हैं, या फिर अगर वुमेन को प्लासेंटा प्रीविया है जिसमें प्लासेंटा मॉर्बिडली टाइटली डीपली यूट्राइन वॉल और टिश्यूज़ के अंदर इन्वेड है, मॉर्बिड एडहेरेंट प्लासेंटा है, और उसी के साथ में प्लासेंटा प्रीविया यानी प्लासेंटा लो लाइंग है जिसमें वो स्पेशली एंटीरियरली आगे की ओर है, तब भी क्या होगा कि हाईली ब्लड वैस्कुलरचर जो कि एंटीरियर वॉल की तरफ है उनके कट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो उस कंडीशन में भी क्लासिकल मेन जो होता है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है रैदर की ट्रांसवर्स लाइन। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कि क्लासिकल और अपर सेगमेंट को किया जाता है, बट इसका यूज़ बहुत ही लिमिटेड है। पॉपुलराइज्ड और मोस्ट कॉमन टेक्निक जो होती है वो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन LSCS जिसमें ट्रांसवर्स इंसर्शन दिया जाता है एब्डोमिनल वॉल पे भी और यूट्राइन वॉल पर भी, और दोनों ही ट्रांसवर्स इंसिजन के जरिए फीटस एंड जो पार्ट ऑफ कंसेप्टस है उन्हें एक्सपेल आउट किया जाता है। सो दीज आर द टू टाइप्स। बट अगर कुछ बेनिफिट्स की बात करें कि LSCS किस तरीके से ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं ओवर द क्लासिकल वन, क्लासिकल के ऊपर ज़्यादा एडवांटेज क्या हो सकते हैं, कि जब लोअर सेगमेंट फुल्ली फॉर्म होता है, हमने पढ़ा था कि जब प्रेगनेंसी नियर टर्म पहुंचती है तो फुल्ली फॉर्म होने लगता है लोअर सेगमेंट, यानी थोड़ा एनलार्ज और थिन। सो फुल्ली फॉर्म होने के कारण क्या होता है कि जब हम इंसिजन देते हैं तो सबसे पहले जो टिश्यूज कट हो रहे हैं वो लेस इन नंबर होंगे, तो इंसिजनल ब्लीडिंग जहाँ पे हमने कट किया है वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस भी कट होंगे क्योंकि टिश्यूज कम है। एंड उसी के साथ में जब हम सूचर करते हैं तो ईजिली जो ये लेयर्स है वो ईजिली क्या हो सकती है, मसल अपोजिशन परफेक्ट होता है क्योंकि थिन लेयर्स ही हैं, एंड हीलिंग जो है वो बेटर होती है क्योंकि जो अपर सेगमेंट है वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी स्लाइटली आफ्टर द डिलीवरी ऑल्सो मोर कॉन्ट्रैक्टाइल रहता है रैदर द लोअर वन, नीचे की कंपेरिजन में ऊपर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। तो ऊपर वाला जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और नीचे वाला जो क्वाइट मैनर में रहता है वो मोर अलाउ करता है हीलिंग प्रोसेस को कि वो बेटर हो सके,
जिससे कि वूंड डेहिसेंस होने के चांसेस भी कम होते हैं, इजीली जो नॉट्स है या फिर जो स्यूचर्स क्या है वो ओपन नहीं होता है, और इन फ्यूचर प्रेगनेंसी के अंदर भी जो स्कार रप्चर होता है उसके चांसेस भी लोअर सेगमेंट में कम होते हैं क्योंकि हीलिंग वहाँ पे बेटर होती है। यस, बट उसी के कंपेरिजन में अगर क्लासिकल की बात करें तो इंसिजनल ब्लीडिंग मोर होगी क्योंकि वहाँ पे मोर टिश्यूज, थिक टिश्यूज, अपर सेगमेंट रिलेटिवली थिक होता है, ज़्यादा मोटा होता है, तो उसमें कट होने वाले, इंसाइज होने वाले टिश्यूज़ का अमाउंट भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा टिश्यूज़ कट होंगे तो इंसिजनल ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। देन अपर सेगमेंट जो है वो आफ्टर डिलीवरी भी स्लाइटली कॉन्ट्रैक्टाइल तो रहता ही है टू एक्सपेल आउट ऑल दी रिमेनिंग ब्लड और द टिश्यूज। सो उस सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए कंपेरेटिवली कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसके कारण हीलिंग जो है उस एरिया में लेस होती है इन कंपेरिजन टू द लोअर, और कम हीलिंग होने के कारण वूंड डेहिसेंस यानी जो स्यूचर्स हैं उनके ओपन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, प्रॉपर हीलिंग नहीं हो रही है, इसलिए प्रॉपर मसल अपोजिशन भी प्रॉपर नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता है क्योंकि थिक लेयर है, स्यूचरिंग करने में भी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है इसमें क्योंकि मल्टीपल लेयर्स को स्यूचर अप करना होता है, और फ्यूचर आने वाली प्रेगनेंसी के अंदर भी इस स्कार जो कि लीनियर इंसिजन दिया गया है उसके रप्चर फटने के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, सो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, बट मैंने बताया कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसके अंदर हमें लोअर सेगमेंट को अवॉइड करना होता है और क्लासिकल की ओर मूव करना होता है। नाउ इंडिकेशंस क्या होते हैं, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें हम सिजेरियन सेक्शन को परफॉर्म करते हैं, क्यों नहीं नॉर्मल लेबर की ओर जाते हैं, तो उसमें है सबसे पहले एंटीपार्टम हेमरेज जिसके बारे में डिटेली हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। सो बहुत कंसाइसली मैं यहाँ पे बताऊंगी कि एपीएच के मेनली दो रीजंस होते हैं, प्लासेंटा प्रीविया और अब्रप्शन प्लासेंटा। प्लासेंटा लो लाइंग है तो बहुत ही वैसे भी मुश्किल होगी कि किस तरीके से फीटस स्पेशली इन कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया, ओके प्लासेंटा कंप्लीटली अगर इंटरनल लोब्स को ओवरलाई कर रहा है तो उसमें से वजाइनल डिलीवरी से डिलीवर आउट होना वो कंप्लीटली इम्पॉसिबल होगा, तो उसमें हम सीएस ही करेंगे। एंड अब्रप्शन प्लासेंटा यानी अगर मेजर डिग्री ऑफ प्लासेंटा का सेपरेशन हो चुका है प्री मेच्योरली, ओके टर्म तक प्रेगनेंसी पहुंची नहीं है लेकिन प्लासेंटा मेजरली सेपरेट हो चुका है, तो कई जो कंडीशंस हैं वुमेन की वो बिगड़ सकती है, वुमेन शॉक में जा सकती हैं और इवन फीटल डेथ भी हो सकती है। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, सीजन सेक्शन कर सकते हैं। ओके सो अगर मेजर डिग्री सेपरेशन है तो तुरंत ही हमें सीएस करना होगा। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस यानी पेल्विस की साइज अप्रोप्रिएट नहीं है, स्मॉल साइज है जिसके जरिए फीटस बर्थ कैनाल से डिलीवर आउट नहीं हो सकता है। सीपीडी सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन जिसके अंदर या तो हो सकता है कि फीटस बहुत बिग है इन कंपेरिजन टू द नैरो बर्थ कैनाल उतनी चौड़ी नहीं है कि फीटस आ सके, या फिर फीटस की साइज तो नॉर्मल ही है लेकिन बर्थ कैनाल बहुत ज़्यादा सिकड़ी हुई है। ओके सिकड़ी हुई है मीन्स उसके डायमीटर्स अप्रोप्रिएट नहीं कि उसके जरिए फीटस एक्सपेल आउट हो सके। सो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस एज वेल एज सीपीडी सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन एक रीज़न है। कार्सिनोमा सर्विक्स ऑलरेडी अगर एडवांसिंग स्टेट पे है कैंसर सर्विक्स तो उस कंडीशन में भी हम सर्वाइकल रूट बिल्कुल भी प्रिफर नहीं कर सकते हैं कि वो कैंसर और ज़्यादा बिगड़ जाए। नैरो है वजाइनल ओपनिंग अगर नैरो है मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन है स्टीनोसिस है तो उस वो कंजेनाइटल हो सकता है बाय बर्थ से हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी वेजाना जो है वो इतना एक्सपैंड नहीं होगा कि वो फीटस को अलाउ करे टू एक्सपेल आउट होने के लिए। देन डिस्टोसिया यानी अगर एबनॉर्मल लेबर इसको हम ऑलरेडी डिटेली पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि यूटोसिया एंड डिस्टोसिया क्या होता है। सो अगर डिस्टोसिया है स्पेशली यहाँ पर डिस्टोसिया थ्री पार्ट में होता है, थ्री पी पावर पैसेंजर एंड पैसेज, पावर यानी डिस्टोसिया यहाँ पे एबनॉर्मलिटी क्या दिख रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, ये सारा हम देख चुके हैं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी प्रॉपर चाहिए टू एक्सपेल आउट द फीटस अगर पावर स्ट्रांग नहीं है। पैसेज अप्रोप्रिएट पैसेज नहीं है मीन्स डायमीटर स्मॉल है या पेल्विक डिफॉर्मिटी है जिसके जरिए फीटस बाहर नहीं आ सकता है।
पैसेज नैरो है, कोई भी डिफॉर्मिटी है। पैसेंजर यानी फीटस, फीटस में कोई प्रॉब्लम है लाइक मैक्रोसोमिया है, बहुत बिग है कि वो उस बर्थ कैनाल से ना आ सके। सो एनी प्रॉब्लम इन दीज थ्री पी पावर पैसेज एंड पैसेंजर मे कॉज डिस्टोसिया, एबनॉर्मल लेबर, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल, नॉर्मल लेबर पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो हम सीजरियन सेक्शन करेंगे। नॉन रीअश्योरिंग फीटल स्टेटस, क्योंकि आजकल एडवांसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग के जरिए हम पहले से ही पता लगा सकते हैं कि क्या फीटस डिस्ट्रेस में तो नहीं है। अगर फीटल डिस्ट्रेस है तो हमें सीजरियन सेक्शन के लिए ही जाना है। एंड अगर हमने कई एबनॉर्मेलिटीज अगर वुमेन के अंदर है, कई कॉम्प्लिकेशन है, और अगर हमने इंडक्शन लेबर को स्टार्ट किया है बट फेल हो गया है किसी वजह से, ना तो वो मेडिकल मीन्स से स्टार्ट हो रहा है और ना सर्जिकल मेथड, मीन्स आपने एमनियोटॉमी मेम्ब्रेन्स को रप्चर कर दिया है तो भी लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हमें सीजरियन सेक्शन के लिए जाना है। माल प्रेजेंटेशन है, लाइक आजकल जो फ्रीक्वेंटली ब्रीच डिलीवरी है या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन है या ट्रांसवर्स लाई है, शोल्डर है, एबनॉर्मल माल प्रेजेंटेशन और एबनॉर्मल पोजिशन जो भी है, पोजिशन और प्रेजेंटेशन, उसमें भी हम नॉर्मल मीन जो है वो फ्रीक्वेंटली आजकल के दौर में कम होते जा रहे हैं। ऑपरेटिव जो वजाइनल डिलीवरी है, फोर्स वेंटोस, इनका यूज़ कम होता जा रहा है और उसके बजाय सीजरियन सेक्शन को मोर प्रेफरेबल माना जा रहा है टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन टू फीटस एंड मदर। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हैं अगर वुमेन को, लाइक सीवियर प्री एक्लेम्पशिया, एक्लेम्पशिया, उसके मैनेजमेंट में भी हमने डिटेली डील किया है कि अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्सन होती है, मैनेज नहीं हो पा रहे हैं फिट्स और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जा सकते हैं, हमें सीजरियन सेक्शन ही चूज करना होगा। और इसी के साथ में अगर मदर को कोई अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ है, तो उसमें भी हम कोई भी चांस नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं ले सकते हैं। सो दीज आर सर्टम, तो ये कुछ ऐसे कॉमन इंडिकेशन है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें हम सीजरियन सेक्शन को कॉमन मोड ऑफ डिलीवरी मानते हैं, यहाँ पे इसी के जरिए हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। सो दीज आर द कॉमन इंडिकेशन। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर के जरिए समझा कि सीजरियन सेक्शन ये वो एब्डोमिनल इंसिजन है, ये वो मोड ऑफ डिलीवरी है जिसके जरिए हम पहले एब्डोमेन को इंसाइज करते हैं लैप्रोटॉमी के जरिए, फिर हम यूट्रस को इंसाइज करते हैं हिस्टरोटॉमी के जरिए, और दोनों में ओपनिंग बनाने के बाद में फीटस और प्लासेंटा दोनों को डिलीवर आउट करते हैं, ओके, एंड देन उसको सूचर अप करते हैं। सो दिस इज द टेक्निक जिसके जरिए डिलीवरी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं और फीटस को एक्सपेल आउट करते हैं। एंड ये जो सेक्शन है, ये जो प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर, ये क्यों किया जाता है, इसके कॉमन इंडिकेशन क्या है और कौन कौन से टाइप के ये प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू।